أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته मैं हूँ हाफिज़ा सदा फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सदा फातिमा कुकिंग व्लॉग। न्यू रेसिपी आप सबकी फरमाइश पे आज फिर नई सुबह के साथ लेके आई हूँ, वो है टोटीला ब्रेड। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। ये है चिकन टिक्का, साथ एक नगेट्स ले लिया है। ये है सैलड, सैलड में आप जो अवेलेबल हो घर में वो ले लें। साथ टोटीला रैप लिए हैं, मैंने बाज़ार से ही लिए थे। ऑयल गरम कर लिया हुआ है तवे पे, तो अब ये हम चिकन को फ्राई करेंगे और नगेट्स को भी फ्राई करेंगे। तो ये देखें, हमारे चिकन और नगेट्स फ्राई हो चुका है। तो अब इसको हम टोटीला रैप को इस तरह से पहले कट कर लेंगे, कट करके लिया हुआ है। और अब इसके ऊपर लगाएंगे केचप। आपके पास कोई भी सॉस हो तो कोई जो आपको पसंद है वो लगा सकते हैं। मैंने जो लगाई है वो केचप है। और मायोनीज़ स्प्रेड कर दें अच्छे तरीके से इसको स्पून की मदद से। इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे मायोनीज़ 1 टेबल स्पून। आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। तो ये देखें, हमने पहले केचप को स्प्रेड कर दिया अच्छे तरीके से टोर्टिला रैप के ऊपर। ये बहुत ही मज़ेदार से बन के रेडी होंगे, बच्चों और बड़ों दोनों की पसंद की रेसिपी है। तो इसके साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन पे लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ये जो हमने चिकन और नगेट्स फ्राई किए हैं इसको सबसे पहले लगा देंगे इस तरह से और इसको रैप करेंगे। मैंने जो कट लगाया इस तरह से कट भी लगा दिया था। ये देखिए, इस तरह से मैंने एक दफ़ा रैप कर लिया। अब जो हमने सैलड काटा है, कटिंग किया हुआ है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो सैलड वो ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने क्यूकम्बर, टोमेटो और अनियन ऐड किया था और ये फ्राइज मैंने कट की है। और ये हमने कैबेज का जो सलाद पत्ता हो तो वो ले ले, हमने बंद गोभी का उतार लिया था। तो ये देखिए, अब हमारी फ्राइज भी रेडी हो चुकी है। अब इसको भी हम उस रैप में डाल देते हैं। ये सबसे पहले हमने सैलड जो पत्ता होता है सलाद का वो रखा है, इसके ऊपर फ्राइज रखेंगे और थर्ड लेयर भी रैप की कर देंगे। तो ये देखें, हमारा रैप हो चुका है और अब मैं इसे तवे पे फ्राई कर लूँगी। तो एक साइड से हमारा फ्राई हो चुका है, इसी तरह हम दूसरे साइड से भी ऑयल डालकर फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें, हमारा मज़ेदार सा टोटीला रैप बनकर रेडी हो चुका है। मज़ेदार सी लुक आपके सामने शो हो रही है। तो इसी के साथ आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हर परेशानी से दूर करे और हर दुआ कबूल व मंजूर फरमाए, हर एक को कामयाब करे। तो इसी तरह मुझे फ़ीडबैक दीजिए कि कौन सी रेसिपी चाहिए न्यू वीडियो आने तक। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।